कृष्ण वो नहीं है जिसे तुम जानना चाहते हो, कृष्ण वो है जो तुम्हें जानता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मैं आज आपको बताता हूं कि मैं अभी अभी वृंदावन जाकर आया। क्या है वृंदावन और कैसा है वृंदावन? पहली बात तो यह है कि हम कृष्ण को जानना क्यों चाहते हैं। कृष्ण को जानना नहीं है, कृष्ण को मानना है। जान तो उन्हें कोई भी नहीं पाया। इन तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने उन्हें देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो तुम देख रहे हो अर्जुन, वो लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी नहीं देखा। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो यही कहा था कि मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं तो बचपन से आपको पता नहीं कैसे कैसे संबोधित करता रहा, मुझे नहीं पता था कि आप सर्वेश्वर हैं, आप ही तीनों लोकों के मालिक हैं। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को नहीं जान पाए। भगवान ने कहा कि कितना जानो, कृष्ण अनंत है, कितना जानोगे। जो लोग कृष्ण को खोज रहे हैं वो भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कृष्ण तो सदैव पास है, सदैव साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूं। क्या है वृंदावन? पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण का शरीर है और वृंदावन दिल है उनका। वृंदावन वो जगह है जहां वो जाकर के संपूर्ण होते। वृंदावन वो जगह है जहां कृष्ण स्वयं से मिलते हैं, कृष्ण खुद से मिलते हैं, कृष्ण राधा से मिलते हैं। जब राधा रानी से मिलते हैं तभी वो संपूर्ण होते हैं। वृंदावन ही वो पवित्र जगह है जहां कृष्ण और राधा रानी एक साथ रहते हैं, जहां उनका मिलन होता है, वहां रोम रोम में प्रेम है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो आप सोचिएगा आप कृष्ण के दिल में हैं, और कृष्ण के दिल में जाना आसान बात है नहीं, सौभाग्य की बात है। आप भगवान के पैर छू सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दिल में बसना आसान बात नहीं है। इसलिए समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जन्मों की तपस्या के बाद वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी देवी देवता भी वृंदावन की पावन भूमि पर आते हैं। वृंदावन में जब भी जाएं, अपने आप को जाते ही सौभाग्यशाली समझें। आप कृष्ण के दिल में, आप उनके दिल में, वहां जाकर मन में कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं जो भी बांके बिहारी से मिलता है वो निःशब्द हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होता। हम घर से बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, कृष्ण से ऐसे बात करेंगे, कृष्ण से ऐसे बोलेंगे, कृष्ण से मिलेंगे, लेकिन वहां जाकर निःशब्द हो जाते हैं। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि हम भगवान के दिल में होते हैं, इसलिए अश्रुधारा बहती है, आंखों से आंसू बहते हैं, प्रेम बहता है, प्यार बहता है, क्योंकि वो प्रेम की जगह है। वहां लिखा है मेरो वृंदावन, मेरे बाके बिहारी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक वही जगह है जहां आप हक से बोलते हो मेरे कृष्ण, मेरे बाके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पले, उसके बाद नंद बाबा के गांव में, राधा रानी बरसाना, बरसाना से राधा रानी, और नंद बाबा के नंद गांव से कृष्ण आते थे वृंदावन। वहां मिलन होता था भगवान का स्वयं से, राधा रानी से। वृंदावन की भूमि में प्रेम बरसता है, प्यार बरसता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आप सब कुछ भी पा लेंगे,
और यदि आपके पास प्रेम नहीं तो जीवन का कोई भी सुख नहीं। और सच्चा प्रेम सिर्फ एक ही से हो सकता है, वो है ईश्वर, वो है कृष्ण, वो है भगवान, वही सब कुछ है। वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, अपने सारे सवालों को एक तरफ रखें। आप कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, आप उसे महसूस करें। आप आंखें बंद करें, वहां की हवा को महसूस करें, वहां के वातावरण को महसूस करें। वहां का कण कण कृष्ण में है, कण कण राधा में है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने प्रेम से सींचा है वहां की धरती को। हर जगह कृष्ण है वहां। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि वहां जाते हैं बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत भीड़ होती है मंदिर में, कई बार दर्शन भी नहीं होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम ठाकुर को देखें ये क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ठाकुर हमें देखे, जरूरी ये है कि राधा रानी हमें देखे। माँ और पिता जब अपने पुत्रों को देख लेते हैं तो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। बाके बिहारी तो वहां कण कण में, इसलिए कभी दर्शन ना भी हो तो नाराज ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। आपका उस धरती पर जाना ही सौभाग्य है। हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ वहां जाए, आपका रोम रोम पुलकित हो उठे। आप जब भी वृंदावन जाए तो वृंदावन को महसूस करें। मैं फिर कह रहा हूं, वो कृष्ण का दिल है। जब भी उस धरती पर पहुंचे तो सोचे कि आप कृष्ण के दिल में हैं। इसलिए खुश रहें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।